गांव ठुइया में करंट लगने से मजदूर की हुई मौत। पीली मंदोरी, बन मंदोरी व बीएसजेडी स्कूल ठुइया में डेंगू दिवस पर लोगों को किया जागरूक। अब समाचार विस्तार से। गांव ठुइया में करंट लगने से मजदूर की हुई मौत। गांव ठुइया में रविवार सोमवार मध्य रात्रि को एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का सोमवार को नागरिक अस्पताल फतेहाबाद से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मिली जानकारी के अनुसार ठुइया निवासी करीब 32 वर्षीय नंदलाल पुत्र बद्री प्रसाद, जो कि पूर्व सरपंच रविंद्र बेनीवाल के मछली फार्म पर कार्य करता था, रविवार रात्रि को मोटर चेक करते समय अचानक मछली फार्म पर करंट लग गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। थाना प्रभारी राज महेंद्र ने बताया कि पुलिस ने मृतक के भाई राजेंद्र के बयान पर धारा 174 के तहत कार्रवाई कर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक विवाहित था। स्वास्थ्य विभाग ने पीली मंदोरी, बन मंदोरी व बीएसजेडी स्कूल ठुइया में डेंगू दिवस पर लोगों को किया जागरूक। गांव पीली मंदोरी, बन मंदोरी व बीएसजेडी स्कूल ठुइया में राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार को जागरूकता रैली व मीटिंग का आयोजन किया गया। पीली मंदोरी पीएससी इंचार्ज डॉक्टर इंदर डूडी ने बताया कि डेंगू व चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छर दिन में काटता है। यह मच्छर रुके हुए साफ पानी में भी पनपता है। सामान्यतः इसके लक्षण अक्षमात, तेज बुखार, अचानक सिर दर्द, मांसपेशियां और जोड़ों में दर्द, आँखों के पीछे दर्द, शरीर पर लाल चकत्ते बनना, अति गंभीर मामलों में नाक मसूड़ों से खून आना पाए जाते हैं। यदि रोगी में लक्षण पाए जाते जाएं तो तुरंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डेंगू व चिकनगुनिया से बचने के लिए घर के आसपास गड्ढों में पानी इकट्ठा न होने दें। कूलर, टैंकी, फूलदान, फ्रिज की सफाई सप्ताह में एक बार अवश्य करें। यदि पानी निकलना संभव न हो तो काला तेल, मिट्टी का तेल का छिड़काव करना चाहिए। रविवार को सूखा दिवस के रूप में मनाएं और शरीर को ढक कर रखें। मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छर रोधी दवा का प्रयोग करें। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्कूली बच्चों के साथ ठुइया में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस टीम में स्वास्थ्य निरीक्षक कश्मीरी लाल, श्री भगवान, राममूर्ति, रचना कांता, स्कूल प्रिंसिपल पल्लवी सिंगला, साबराम डूडी, अरविंद कुमार सिंगला व स्कूल के बच्चे उपस्थित रहे।